क्लैरिटी ऑफ माइंड बहुत ज़रूरी है। हम जो भी काम करने लगे ना, पहले उस चीज़ के बारे में हमारा रिसर्च अच्छी होनी चाहिए। या जो सा हमने आगे फैसला लेना ना, हमें खुद पता हो कि हम उसमें कितने माहिर हैं या हम उसमें इंटरेस्टेड है भी या नहीं। जैसे हम एक बच्चों को एग्जाम्पल दे रहे होते ना, अगर हम अब मैथ हम कर रहे हैं ना, हमें मैथ में मज़ा आ रहा है, मीन्स कि हमें थेरी थेरी में नहीं चस आ रही, मीन्स कि हमें मैथ इंटरेस्टेड लग रही है, हमें लिखना अच्छा लग रहा है, फार्मूले अच्छे लग रहे हैं। एक बंदा जिसे थ्योरी में मज़ा आ रहा है, पढ़ने में मज़ा आ रहा है, समझने में मज़ा आ रहा है, वो क्या है, वो बायो पढ़ेगा, वो कोई और सब्जेक्ट पढ़ेगा। इस तरह आपने जो भी अपने सब्जेक्ट की सिलेक्शन करनी है या प्रोफेशन की सिलेक्शन करनी है ना, उसके लिए सबसे पहले आप बिल्कुल पहले बैठे अकेले सोचें, यार मैं किस चीज़ में, मैं जब बैठता हूँ ना, अगर मैं 20 घंटे भी बैठा रहूँ ना, मेरा इंटरेस्ट उसमें और डेवलप होता है और पैदा होता है, मेरा इंटरेस्ट और, मेरा दिल करता है यार इसे और ज़्यादा टाइम दूँ, ना कि यार अगर मैं 1 घंटा भी बैठूँ तो मैं कहूँ यार बस मोहतरम बस मेरी बस हो गया, ये मुझसे नहीं काम हो रहा। मीन्स कि आपका उसमें इंटरेस्ट नहीं है, आप कामयाब हैं, आपका दिल है, आप काम हर कोई कर सकते हैं, लेकिन आपका इंटरेस्ट किधर है ये मैटर यहाँ पे कर रहा है। यहाँ पे देखिए, कोई भी बंदा यहाँ दुनिया में ना ये नाकाम नहीं होता, या इस तरह नहीं होता कोई काम नहीं कर सकता, लेकिन वो बेचारे फंस कहाँ पे जाते हैं, हम जैसे लोग कहाँ फंस जाते हैं, जहाँ पे हमारा इंटरेस्ट नहीं होता ना, हम उधर जाके फंस जाते हैं। सबसे पहले अपने इंटरेस्ट तलाश करें ना, आपको मज़ा किस में आ रहा है, सुकून किस में मिल रहा है, ठीक है ना। और देखें जो भी काम करें, शुक्र अदा करें अल्लाह ताला की ज़ात का ना, और सोचें यार अगर मैं ये काम नहीं करता तो कोई और कर लेगा, लेकिन अगर मेरा इंटरेस्ट अगर मैं कर लेता हूँ तो यार मेरा क्या जाता है, मैं क्यों ना अपना नाम बनाऊँ, मैं क्यों ना लोगों की भलाई के लिए काम कर लूँ। आप जिस मर्जी पोस्ट पर बैठे हो ना, लोगों की भलाई हर जगह पर हो रही है। अगर आप एक ऑफिस में बैठे हो, वहाँ पर भी किसी ना किसी की भलाई हो सकती है अगर आप सोचें तो। अगर आप एक आप देखें, अगर तो आप है ना, आप फलाही इदारे में ही हैं, वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा हो सकती है, लेकिन जो एक हड हराम होगा, जिसका नहीं दिल करेगा काम करने को, वो इतनी यूनिक जगह पे बैठ के, इतनी ज़बरदस्त जगह पे बैठ के भी कुछ नहीं कर सकता। आप पे डिपेंड कर रहा है आप क्या करना चाहते हैं मोहतरम, ज़रूर सोचें इस चीज़ के बारे में।